मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, कैम छो, मजा में? जय माता जी। तो आज का वीडियो हम जूस के साथ ही शुरू कर रहे हैं। कसरत हमने कर ली है जो आपने अभी तक देखा, तो चलिए हम नहा के चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ पर बच्चों का खेलना चल रहा है और अब चलिए चल। शेरू, ओ शेरू, 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 चलो बाय बाय। ये आखिरी ग्यारह है जिसमें हम दवाई छिड़क रहे हैं। फसल की वाट लगा कर रख दी है इसने। ये जो क्या बोलते हैं, ईड़ होती है इसमें, सीने में तो कभी आती नहीं है, लेकिन इस बार आ गई है। इस बार आ गई है, सीने में कभी आती नहीं है। और ये आखिरी कह रहा है हमारा, अब खाना खाने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब दोपहर के बाद मिलते हैं आपसे। तो हम आए थे खेत पर खाना खाने के लिए, अब जा रहे हैं वापस खा के। सुबह में किया हुआ आपको सब कुछ दिखाया कि हमने क्या किया, दवाई का छिड़काव किया। अब शाम को जाके एक नई चीज़ आपको दिखाने वाले हैं जो शायद ही कभी आपने देखी होगी। तो चलिए हमारे साथ। ये ग्रीन टी है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो मजबूत बनता है, यानी कि जो हमारे पेट जो ख़राब होता है, कई भाइयों का ख़राब होता है, ये उसको उबाल के मैंने ये ली है। थोड़ी सी आपको घर जाके बताऊंगा कि उससे कैसे बनाते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी मार्केट में तो 250 रुपये पर 8-10 पैकेट मिलती होगी, तो भाव प्राइस क्या है वो तो नहीं पता है। लेकिन इससे हमारे जो और फिलहाल हाल जो कोरोना टाइम चल रहा है उसमें ये बहुत बढ़िया है। और अभी शाम हो चुकी है, हमारे पास ऐसे कई ट्री है, देखो वहाँ पर भी एक है, एक यहाँ पर है, एक दो वहाँ पर है। तो ये ग्रीन टी है, इससे पापा ने मुझे बताया था कि इससे कैसे बनती है चाय ये। और एक बात ज़रूरी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये है रुद्राक्ष जो शिव जी पहनते हैं अपने गले में, उसका पेड़ है। एक यहाँ पर है और अभी एक दिखाता हूँ मैं, एक ये है, ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा था, ये बड़े वाला है, देखिए कितना बड़ा है, वहाँ तक है पूरा, जहाँ तक हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता।
ये जो रुद्राक्ष का पेड़ है उसका एक पत्ता लेना होता है और एक सुबह और एक शाम को खाना होता है। खाना मतलब कि इसका रस चूसना होता है। ये जो खाना हो तो अच्छा है, वरना आप निकाल के फेंक भी सकते हैं, इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं सुबह और सांझ को। इससे क्या होता है कि हमारी खांसी होती है, सर्द होती है, जो अंदर कफ होता है वो सब दूर हो जाता है, और जो आदि दम की बीमारियाँ होती है उसमें भी ये कारगर है। कोरोना सिर्फ श्वास लेने में ही तकलीफ करता है, तो इसके बहुत ही फायदा है इसका, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ये सुबह और शाम। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वैसे तो मैं एक बात बोल दूँ आपको, ये पूर्णतः आयुर्वेद है, इसलिए इसका सेवन करना ज़रूरी है कोरोना काल में। और जिस भाई को भी जो कोरोना में है वो ये सुबह और शाम कि इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए अब चलते हैं घर पर, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, खेत में भी कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी मैंने नहा लिया है, तो चलिए चलते हैं घर पर। तो भाई अपने साथ पूरे तरह से स्कैम हो गया, क्योंकि मैं अभी ग्रीन टी बनाने वाला था और देखा तो ग्रीन टी तो लाना ही भूल गए, वो तो खेत पर ही रह गई, अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा आपके साथ ग्रीन टी की रेसिपी शेयर करूंगा, लेकिन वो तो वहां पर ही खेत पर ही रह गई। तो चलिए अब कल बनाएंगे, कल के व्लॉग में आएगी ग्रीन टी कैसे बनाते हैं वो। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो कोनी मारो, गुटा मारो, पार्टू मारो, कुछ भी करो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।